वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CITS एंड ITIS स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हमने फास्टनर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, फास्टनर के बारे में बताया हुए हैं। सेपरेट सेपरेट वीडियो हमने फास्टनर से रिलेटेड बनाए हुए हैं। जैसे बात करते हैं, हमने फास्टनर में अस्थायी फास्टनर की बात कर रहे हैं तो हमने नट और बोल्ट से रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टड के बारे में, हमने बताया हुआ है। और जो भी फास्टनर होते हैं, फास्टनर से किस प्रकार के टेक्निकल टर्म्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेक्निकल कम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो हम इस चैनल में आपको बता दें कि इस चैनल में आपको टेक्निकल टूल्स और इक्विपमेंट से संबंधित, खास करके फीटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी टेक्निकल कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन आंसर, उससे रिलेटेड भी वीडियो मिलेंगे। निम्मी के जो प्रीवियस ईयर के सेट होंगे, मॉडल सेट होंगे, क्वेश्चन पेपर होंगे, वो सब इसमें हम डिस्कशन किए हुए हैं। आप जाकर के चैनल में, चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। बात करते हैं जनरल कंपटीशन की, तो जनरल कंपटीशन के लिए भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप विजिट करते हैं तो आपको जो है जीके के लिए स्पेशल क्लासेस मिलेंगी, वोकेशनल साइंस, जो कि बहुत बेनिफिशियल होगा। यदि आप टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वोकेशनल साइंस से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। टेक्निकल जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, यानी CITS क्या होता है, CTS क्या होता है, ITI करने से क्या क्या फायदा होता है, और ITI करने के बाद क्या क्या हम कर सकते हैं, तो इन सब चीजों से रिलेटेड भी हमने इस चैनल में एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन करके वीडियो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप चैनल में जाकर के विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बात करते हैं आज की इस वीडियो की, तो आज की इस वीडियो में हम फास्टनर से ही रिलेटेड बात करेंगे। फास्टनर यानी जो होता है, दो पार्टों को आपस में जोड़ने के लिए हम फास्टनर का यूज करते हैं। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे अस्थायी फास्टनर, जो कि इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये की होगा, सुनने में अजीब लग रहा होगा आपको। यदि आप टेक्निकल तैयारी करते हैं, टेक्निशियन है, टेक्निकल चीजें जानते हैं, टेक्निकल पार्ट्स टूल्स के बारे में जानते हैं, तो की का नाम आपने सुना ही होगा। लेकिन यदि जो पहली बार मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे आए होंगे, पहली बार मेरे वीडियो देख रहे होंगे, तो की का मतलब जो चाबी आपने सुना होगा, की जो होता है चाबी, ताला, चाबी वाला की, ये वैसा की नहीं है। लेकिन नाम इसका सेम वही है, KEY की ही है, लेकिन इसका प्रयोग जो होता है यह शाफ्ट और हब, पुली आदि को कपलिंग करने के लिए, जोड़ने के लिए फिट किया जाता है। इसमें क्या होता है, गियर के बीच में शाफ्ट को जोड़ना होता है तो इसमें की का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि हब में यानी शाफ्ट में कुछ खांचे बने होते हैं, कुछ स्लॉट कटे होते हैं, उसके बीच में हम जो है की का प्रयोग करके एक दूसरे को आपस में जोड़ते हैं, और एक ही धुरी पे यानी एक ही शाफ्ट में बहुत सारे पुली को हम आपस में चलाते हैं, गियर को आपस में चलाते हैं। पावर ट्रांसमिशन में इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। हमारा आज का जो टॉपिक होगा, अच्छे से समझेंगे आप, हमारा जो आज का टॉपिक है वह की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फास्टनर से रिलेटेड। यह जो है की अस्थायी यानी अर्ध अस्थाई या अस्थाई फास्टनर है, इसका यूज करके हम दो पार्टों को आपस में जोड़ते हैं। यदि हमें आवश्यकता पड़ती है तो इनको हम पीट करके या इसको जुगाड़ के द्वारा हम बाहर भी निकाल सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, और जोड़ करके अपना पावर ट्रांसमिशन में भी इसका यूज करते हैं। की के बारे में हमने बताया, तो हमारा टॉपिक जो होगा की होगा, की किस मटेरियल का बना हुआ होता है, इसका यूज कैसे किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, और इससे टेक्निकल कंपटीटिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बात करते हैं की, यानी देखिए क्या है कि जो मशीन पार्ट है उनको अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए जिस युक्ति का, जिस प्रसाधन का हम प्रयोग करते हैं उसको की कहते हैं। यह प्रायः जो है MS मेटल यानी माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। की का मेटेरियल की बात करें तो यह MS मेटल के लिए प्रायः बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ विशेष कार्य के लिए अलग अलग मेटेरियल के भी बनाए जा सकते हैं। बात करते हैं इसके प्रयोग जो है, गियर हमने बताया, गियर, पुली व व्हील, शाफ्ट, इन सबों को एक साथ जोड़ने के लिए, एक ही धुरी पर घुमाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो हमने अभी बताया आपको कि ग्रूव बने हुए होते हैं और ग्रूव के अंदर की को फिट किया जाता है। अब बात करते हैं की के प्रयोग जो है पावर ट्रांसमिशन के लिए, यानी पावर ट्रांसमिशन में इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। देखिए हम आपको एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं, बताते हैं। यदि आपने वो जो हैंड पाइप वाला मशीन देखा होगा तो उसमें भी जो एक पुली होता है उसके अंदर जब और जो हैंडल होता है, हैंडल लगाते हैं, हम घुमाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बीच में स्लॉट कटे हुए होते हैं, और जो उसका हैंडल होता है, हैंडल के अंदर जो है वो थोड़ा सा निकला हुआ होता है, वो उस शाफ्ट के अंदर जाके फिट होता है, तब वो अच्छे से बैठ जाता है, ग्रिपिंग बनता है और वो उसको घुमाता है तो ये इंजन स्टार्ट होता है।
ऐसे ही जितने भी आपने कोई छोटा मोटा मशीन आप लोग घरों में भी देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि एक जो प्लेन होता है, साफ्ट होता है, उसके अंदर कुछ स्लॉट यानी खांचे बने हुए होते हैं। मैं आपको इसी वीडियो में जितने भी की है उनके बारे में जो भी हम बताएंगे, टाइप्स की हम बात करेंगे, प्रकार में जब भी बताएंगे, तो आपको इसमें इसका पिक्चर यानी ड्राइंग करके आपको दिखाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस इतना समझेंगे आप कि दो पार्टों को, दो गियर जो है, गियर को चलाने के लिए, शाफ्ट को चलाने के लिए, पुल्ली को घुमाने के लिए हब के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो है स्लॉट बने होते हैं, खांचे बने होते हैं शाफ्ट के अंदर, और शाफ्ट के ऊपर इसको फिट करके इसके साथ अटैच किया जाता है। पावर ट्रांसमिशन में ये बहुत ही उपयोगी होता है। एमएस मेटल का ये यानी माइल्ड स्टील का प्रायः बना हुआ होता है। और इसके टाइप्स की हम बात करें, प्रयोग में हमने बताया कि जो भी हमने नाम रखा अभी कि शाफ्ट, गियर, पुल्ली, पावर ट्रांसमिशन, इन सबको रोटेट करने के लिए, चलाने के लिए, हेवी लोड के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, की का प्रयोग, ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रकार के यानी टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रायः जो है नॉर्मली जो है की दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से की के प्रकार की हम बात करें तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है शंख की होता है। शंख की जो होता है इसका प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। शंख की में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जितने भी की के आप प्रकार होते हैं वो ज्यादातर शंख की के ही होते हैं। और शंख की के बाद एक होता है सैडल की। तो सैडल की जो है, सैडल की नॉर्मल होता है, शंख की प्रायः प्रयोग किया जाता है। शंख की में ही बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे शंख की हम बात करें तो शंख की में होता है प्लेन की, वुडरफ की, राउंड की, फ्लैट राउंड की, उसके बाद है फिदर, फिर जीब हेड की। यानी जो हमने बताया की के प्रकार की हम बात करें तो दो प्रकार के की होते हैं। पहला जो है सैडल की होता है, दूसरा जो है शंख की होता है। तो शंख की में बहुत सारे प्रकार होते हैं, सैडल की मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। शंख की के प्रकार की हम बात करें तो शंख की में होता है प्लेन की, राउंड की, टेपर की, वुडरफ की, फीदर की और प्लेन राउंड की। तो ये जो हो गए ये शंख की के प्रकार में आते हैं। अब सैडल की के प्रकार की हम बात करें तो सैडल की में क्या होता है कि फ्लैट सैडल की और होलो सैडल की। यानी सैडल की में दो प्रकार के, एक जो होता है फ्लैट सैडल की और दूसरा जो है होलो सैडल की होता है। तो ये हो गए कुछ की के प्रकार। अब हम की के प्रकार में जो भी होते हैं उनके बारी बारी से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शंख की। शंख की में जो पहला है वह होता है प्लेन की। तो शंख की हम जब बात करते हैं तो शंख की क्या होता है, इस प्रकार की को फिट करने के लिए शाफ्ट और हब दोनों में की वे बने होते हैं। यानी जो है की को फिट करने के लिए शाफ्ट और हब यानी शाफ्ट और पुली के बीच में की वे बने होते हैं, यानी चाबी घाट बने होते हैं जिसके अंदर चाबी को फिट किया जाता है। की को फिट करने के लिए, शंख की में की को फिट करने के लिए क्या होता है कि हब और शाफ्ट दोनों के बीच चाबी घाट यानी की वे बना हुआ होता है, जिसको हम शंख की कहते हैं। इसका प्रयोग जो है शंख की में, आगे बढ़ते हैं तो शंख की का प्रयोग ज्यादातर पावर ट्रांसमिट के लिए किया जाता है। शंख की के प्रकार की हम बात करें तो सबसे पहला है प्लेन की। तो प्लेन की क्या होता है, यह जो है मोटाई तथा चौड़ाई में समान होता है। जो प्लेन की है बिल्कुल प्लेन होता है, यह मोटाई और चौड़ाई में समान होता है। यह आयताकार या वर्गाकार सेक्शन में भी बना हुआ होता है। प्लेन की जो है आयताकार और वर्गाकार सेक्शन में भी बना हुआ होता है। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं तो प्लेन की के बाद जो है वह राउंड की हो गया। तो राउंड की नाम के अनुसार होता है कि वैसे की जो गोल होता है यानी राउंड होता है, प्लेन की तरह ही होता है, लेकिन यह जो है यह इसका जो सिरा है वह गोल होता है, तो यह होता है राउंड की। फिर टेपर की, तो टेपर की देखिए, टेपर की जो है यह इंपॉर्टेंट है, शंख की के टाइप में आते हैं टेपर की। टेपर की का अनुपात हमेशा पूछता है 1:100 होता है। ये टेक्निकल क्वेश्चन हमेशा बार बार की से क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो टेपर की से एक क्वेश्चन, यदि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं या प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो टेपर की का जो अनुपात होता है वह पूछता है, 1:100 होता है। टेपर की हम बात करें तो टेपर की जो है यह चौड़ाई में और यह चौड़ाई में समानांतर और मोटाई में टेपर होता है। यानी चौड़ाई में वैसे ही होता है प्लेन की तरह होता है समानांतर, लेकिन जो है इसकी मोटाई जो है वह टेपर होती है और यह जो है 1:100 होता है। उसके बाद है जीब हेड की। जीब हेड की हम बात करें तो वैसे कि जिसका जो हेड होता है वह जीब की तरह होता है। हम इसमें आपको बता भी कि हम इसमें इस वीडियो में ड्राइंग यहाँ पे लगा देंगे, उसका पिक्चर करके आपको दिखाएंगे कि जीब हेड की क्या होता है, शंख की क्या होता है,
फ्लैट जो हमने बताया अभी कि प्लेन की क्या होता है, राउंड की, इनका हम यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे लगा के आपको दिखाएंगे। जी भेड की हम बात करें तो यह की जो है यह एक तरफ से प्लेन की तरह होता है जबकि दूसरे सिरे पे हेड बना होता है, यानी ये फ्लैट होता है और दूसरे सिरे पे इसका थोड़ा सा घुमा हुआ यानी जीभ की तरह बना हुआ होता है और हेड के द्वारा की को आसानी से निकाला जाता है। इसमें जो हेड हेड बना होता है वो जीभ हेड होता है, प्लेन होता है, ऊपर में एक साइड में जीभ बना हुआ होता है और वही हेड से इसको आसानी से निकाला जा सकता है। आमतौर पर इस की का प्रयोग सभी प्रकार के कामों में किया जाता है, जीभ हेड की का प्रयोग ज्यादातर सभी प्रकार के कामों के लिए किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फीदर की। तो फीदर की क्या होता है, यह प्लेन की और राउंड की दोनों का मिला हुआ रूप होता है। फीदर की हम बात करें तो फीदर की का ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हमने अभी आपको बताया था कि वीडियो में यदि आप बने रहते हैं तो आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो फीदर की का ड्राइंग यहाँ पे यानी उसका ड्राइंग दिया रहता है और बात पूछता है कि ये कौन सा की है। तो फीदर की हम बात करें तो फीदर की क्या होता है, यह प्लेन की और राउंड की दोनों का मिला हुआ रूप होता है। जीभ हेड की से भी क्वेश्चन पूछता है, चित्र बना के देगा आपको और पूछेगा कौन सा की है। उसके बाद टेपर की बात कर तो टेपर की का रेशियो पूछता है, हमेशा अनुपात 1:100 होता है। इसका प्रयोग वहां किया जाता है, फीदर की हम बात करते हैं, फीदर की जो है प्लेन की और राउंड की दोनों का मिक्सअप होता है, मिला हुआ होता है और इसका प्रयोग जो है वहां किया जाता है जहां पर पार्ट या साफ्ट के साथ घूमते हैं, कोई भी पार्ट होता है, कोई भी साफ्ट जो होता है वो बार बार रोटेट करता है, घूमता है, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं जो हमने अभी राउंड की बताया था, तो राउंड की के बाद एक होता है प्लेन राउंड की। तो प्लेन राउंड की में क्या होता है कि जो प्लेन होता है ना, सबसे पहले हमने बताया था कि प्लेन जो की होता है तो वैसे ही प्लेन राउंड होता है। तो प्लेन राउंड में क्या होता है कि उसका एक जो है फ्लैट जो सिरा होता है वह प्लेन होता है लेकिन एक साइड में वह राउंड भी होता है। तो अब उसके बाद प्लेन राउंड की हम बात करें तो ये कुछ टेपर में भी होते हैं, कुछ राउंड टेपर में भी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वुडरफ की है, वुडरफ की का प्रयोग भी ज्यादा किया जाता है, ज्यादातर वुडरफ की का भी प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग गोल डिस्क को काटकर बनाया जाता है, जो है वुडरफ की जो है इस प्रकार की जो है इसका प्रयोग गोल डिस्क में करते हैं और गोल डिस्क को काट करके ही प्रयोग किया जाता है। वुडरफ की जो है गोल डिस्क को काटकर बनाया जाता है और यह मुख्यतः टेपर शाफ्ट पर फिट होता है। वुडरफ की का प्रयोग टेपर शाफ्ट यानी वैसे शाफ्ट जो एक साइड में उसका डायमीटर बड़ा होगा और दूसरे साइड में उसका डायमीटर छोटा यानी टेपर में होगा, तो उसके लिए वुडरफ की का प्रयोग करते हैं। इसका गोलाकार भाग शाफ्ट के बने की में आसानी से फिट हो जाता है और ये हब को पूरी अच्छी तरीके से घुमाता है। वुडरफ की हम बात करें तो यह जो है टेपर शाफ्ट में फिट होता है और इसमें जो है गोल डिस्क को काट कर ये बनाया जाता है। वुडरफ की का जो देखने में लगता है तो वह गोल डिस्क को काट करके बनाया जाता है वुडरफ की और टेपर शाफ्ट में फिट होता है। तो ये हो गए कुछ शंख की के प्रकार। हमने अभी बताया आपको शंख की कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हमने बताया फ्लैट की, उसके बाद राउंड की, उसके बाद टेपर की, उसके बाद जीभ हेड की, फीदर की, वुडरफ की और उसके बाद प्लेन राउंड की। तो ये जो थे ये शंख की के प्रकार में आते हैं, टाइप्स ऑफ शंख की थे। अब उसके बाद सैडल की हम बात करें तो सैडल की में क्या होता है, सैडल की में हमने दो बताया था, एक जो बताया था फ्लैट सैडल की, फ्लैट सैडल की और दूसरा जो था होलो सैडल की। तो सैडल की के बारे में देखिए क्या होता है कि इस प्रकार के की को फिट करने के लिए शाफ्ट पर कीवे कटने की आवश्यकता नहीं होती है। सैडल की के लिए कीवे नहीं कटा हुआ होता है जबकि शंख की के लिए कीवे कटा हुआ होता है, दोनों में डिफरेंट होता है। सैडल की में कीवे नहीं बना हुआ होता है और शंख की में कीवे बना हुआ होता है। यह हल्के कामों के लिए प्रयोग किया जाता है, सैडल की का प्रयोग हल्के काम के लिए किया जाता है यानी पावर ट्रांसमिशन में हल्के लोड के लिए, हेवी लोड के लिए, सॉरी कम लोड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि हेवी लोड के लिए, भारी लोड के लिए ये जो है शंख की का प्रयोग करेंगे, जबकि सैडल की का प्रयोग कम लोड के लिए करते हैं। और शंख की भी, सैडल की भी शंख की तरह दो प्रकार के होते हैं। शंख की मुख्य निम्नलिखित प्रकार के हैं, शंख की में हमने बताया था कि प्लेन शंख की, उसके बाद बताया था राउंड शंख की, पेपर शंख की, वुडरफ की और फीदर, ये सब जो था शंख की में था। और सैडल की में दो प्रकार के, फ्लैट सैडल और दूसरा जो होलो सैडल। तो फ्लैट सैडल जो होता है ये हल्के काम के लिए प्रयोग किया जाता है वो सैडल की, ये प्लेन जो प्लेन वाला जो है सैडल की तरह होता है फ्लैट सैडल। और जो है होलो सैडल क्या होता है कि इसका जो है निचला हिस्सा जो है वह फ्लैट ना होकर गोल होता है। होलो सैडल की में क्या होता है कि इसका जो नीचे वाला सिरा है वह जो है गोल होता है, फ्लैट नहीं होता है। तो अभी जो है आज के इस वीडियो में हमने बताया कि
की क्या होता है, की कितने प्रकार के होते हैं, की किस मटेरियल के बने होते हैं और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इस वीडियो में हम आपको जो भी बताए उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगता है तो आप जो है इसको अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि नए वीडियो जो भी आए तो आप तक आसानी से पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।